हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू सिंग राइडर व्लॉग्स। आज की डेट है 24th of September 2023। टाइम हो रहा है अराउंड सुबह के 5, और आज के इस नए दिन में, नई शुरुआत में, नई राइड पे निकल चुका हूँ मैं, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। इस राइड के रिलेटेड हमारी एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में, जिसका व्लॉग मैंने बनाया था और डाला था, जो कि आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले मेरी जितनी भी राइड्स होंगी, जितने भी व्लॉग्स होंगे, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। आज की राइड का इंतज़ार जो था बहुत टाइम से था। आज की राइड होने वाली है इंडियन जेंटलमैन्स राइड, जो कि है फॉर द मैन, टू द मैन, बाय द मैन। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, पर मैन एक भगवान का ऐसा क्रिएचर है जिसको एक तरह से देखा जाए तो हमारी सोसाइटी में निगलेक्ट किया जाता है। ऐसा लगाया जाता है कि यार ये तो आदमी है, इसको तो क्या ही होगा, इसको तो कोई तकलीफ नहीं हो सकती, इसको कोई मेंटल प्रेशर नहीं हो सकता। पर अगर आप आंकड़े उठाएं आजकल के और देखें तो सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक, सबसे ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा फिजिकल प्रॉब्लम जो हैं वो मेंस के साथ है, ना कि किसी और के साथ। और किसी ने ये खूब कहा था कि आजकल के टाइम में वुमेन हैं, ट्रीज हैं, चिल्ड्रन हैं, इन सब के लिए तो हेल्पलाइन है, बट मेन के लिए कोई हेल्पलाइन नहीं है, क्योंकि मेन कहीं ना कहीं आजकल निगलेक्ट होता जा रहा है। तो ऑल थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर्स, जिन्होंने इस कॉज को पहचाना, जिन्होंने इस कॉज के लिए एक स्टेप अप किया है और आज का ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पे मेन को मद्देनजर रखते हुए उनके लिए ये राइड प्लान की गई है। और आज की राइड का डिटेल ऐसे है कि मैं यहाँ से निकल चुका हूँ अपने घर से, और पहला मीटअप पॉइंट मेरा होगा जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ पे हर बार की तरह सबसे पहले मुझे निशांत भाई मिलेंगे, क्योंकि जितनी भी राइड्स होती हैं नॉर्मली हमारा रूट सेम लगता है तो सबसे पहले हम दोनों मिलते हैं। उसके बाद हम एरो सिटी एरिया में पहुंचेंगे, जहां पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज है, और वहीं पर हमें यश भाई और फहीम भाई और विवेक भाई, बाकी के राइडर्स मिलेंगे। आज सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि मैं लेट नहीं हूँ, नॉर्मली मैं लेट हो जाता हूँ, और पिछली राइड पर भी मैं लेट था। आप लोगों ने अगर पिछली सैल्यूट टू द डिफेंस फोर्सेज 5.0 देखी होगी तो उसमें मैं लेट था और हमारी राइड निकल गई थी, और उसमें क्या क्या हमने मजे किए, क्या क्या हमारे साथ एडवेंचर हुआ, वो सब मैंने वो ब्लॉग डाला था। उस ब्लॉग का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, अगर आपने वो नहीं देखा तो जरूर जाके देखिए, और आई ट्रस्ट आपको बहुत मजा आने वाला है। तो अभी भी मैं निकल गया हूँ अपने घर से, फटाफट से टाइमली पहुंचते हैं, निशान भाई को मिलते हैं, और उसके बाद आगे का जो भी अपडेट होगा मैं आपसे टाइम टू टाइम शेयर करता रहूंगा। तो बने रहिएगा और अपना प्यार जरूर दीजिएगा इस वीडियो को और इस चैनल को। तो जी, टाइम हो गया है अराउंड 5:30, और एज शेड्यूल्ड मैं अपने फर्स्ट मीटिंग पॉइंट में पहुंचने वाला हूँ, और निशान भाई को यही होना चाहिए। देखते हैं अगर निशान भाई यहाँ पर है तो, अरे क्या बात जी, भाई तो बंदा हमेशा ऑन टाइम होता है, जो मर्जी को मैं 2 मिनट लेट हो जाऊँ तो हो जाऊँ, निशान भाई कभी भी लेट नहीं होते, निशान भाई हमेशा ऑन टाइम होते हैं। क्या हाल चाल है, गुड मॉर्निंग, जल्दी सब्सक्राइब करो, वेलकम टू सीक्रेट व्लॉग्स। क्या है भाई, आपके ब्लॉग बना रहा, अरे मुझे लगा फिर से ब्लॉगिंग शुरू कर दिया। अरे गुड मॉर्निंग, निशांत भाई से मिलने हैं हम, और यहाँ से हम जाने वाले हैं अपने सेकंड मीटिंग पॉइंट पे, जहाँ पे हमें यश भाई, विकास भाई, फहीम भाई मिलेंगे, और आगे का रास्ता जो है हम निशांत भाई को फॉलो करके ही निकालेंगे, क्योंकि निशांत भाई को पता है एग्जैक्टली हमें कहाँ जाना है। तो फटाफट से पहुंचते हैं, बाकी राइडर्स को मिलते हैं, और होपफुली आज सब टाइम पे है, हम लेट नहीं है, तो टाइमली जो है मेन असेंबली पॉइंट पे पहुंचते हैं, और इवेंट और राइड दोनों को एंजॉय करते हैं, और आप भी मेरे साथ साथ एंजॉय करेंगे, क्योंकि मैं ईच एंड एवरी मोमेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बात कुछ ऐसी है कि यश भाई है थोड़ा सा लेट आज, यहाँ पीछे जो अंडरपास से हम अभी निकले हैं यहीं पे मिलने का प्लान था, बट अभी यश भाई घर से निकले हैं तो उन्हें आने में आई गेस हाफ एन आवर लग जाएगा, इसलिए फिर निशान भाई और मैंने डिसाइड किया है कि हम जो हमारा असेंबली पॉइंट है वहीं चलते हैं। तो गाइस अपडेट ये है कि हम लोकेशन पे पहुंच गए हैं, वो सामने अगर आप देख रहे होंगे तो IGR का बोर्ड लगा हुआ है, सब राइडर्स आना शुरू हो गए हैं, उधर बाइक्स खड़ी हैं, और ये कुछ यहाँ का माहौल है सुबह सुबह का, जो बहुत ही बढ़िया लगता हुआ। नोवोटेल होटल यहाँ पे, और इसके ऑपोजिट है यहाँ पे फोटो सेशन होते हुए, ये भी दिखाना जरूरी है। और अभी हम बहुत जल्दी आ गए हैं, ज़्यादा राइडर्स अभी तक पहुँचे नहीं हैं, वो सामने हमने अपनी बाइक्स पार्क कर दी हैं, और बहुत जल्दी आ गए हैं। अभी यश भाई इस बार लेट है, पिछली बार मैं लेट था, इस बार यश भाई लेट है, और होपफुली वो ऑन द वे है, जल्दी से आ जाएंगे। उसके बाद
अभी धीरे धीरे राइडर्स आना शुरू होंगे और मेरे को लगता है कि इवेंट शायद आधा घंटा लेट हो सकता है आजकल शेड्यूल है। यहाँ पे सुबह सुबह राइडर्स के लिए कॉफ़ी और बिस्किट्स, यहाँ पर पानी है और आटे वाले कॉफ़ी, वहाँ पे मार्शल्स के लिए चल रही है और यहाँ की बाइक्स का लाइनअप लगना शुरू हो गया और बाकी के जो राइडर आएंगे वो पीछे की तरह लगेंगे। ये बाइक्स का लाइनअप है और भी काफ़ी सारे बाइकर्स अभी धीरे धीरे आ रहे हैं और राइड स्टार्ट होने में टाइम है। ये देखिए पूरा लाइनअप यहाँ से लेके आगे तक। ये आगे साढ़े एडमिन साहब, साढ़े बटे पाजी, क्या ले पाजी, लेट क्यों हुआ ये बताओ पहले, क्या ले लेट कैसे हो गया? जाओ लेट कर दिया। मैं भी चलता हूँ, अपना सगन वगैरह कवर करता हूँ बाकी और राइड के लिए रेडी होता है, उसके बाद राइड एंजॉय। गाइस फाइनली अभी राइड स्टार्ट होती हुई, ये पार्किंग ओपन कर रहे हैं राइडर्स के लिए, पूरा राइडर्स के लिए रिजर्व है। मेन गेट से चेकिंग करा के हमने वेन्यू लोकेशन पे एंटर कर लिया है, अब हम अंदर की तरफ वॉक करते हुए जाएंगे। सबसे पहले है सामने रजिस्ट्रेशन डेस्क, जो हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, ऑनलाइन पेमेंट की थी, उसका यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन करने के बाद ही हमें इवेंट अटेंड करने के लिए अलाउ किया जाएगा। तो फटाफट से चलते हैं, अपना QR कोड दिखाते हैं, वेरिफिकेशन कराते हैं और अंदर इवेंट पे चल के इंजॉय करते हैं। तो गाइस वहाँ रजिस्ट्रेशन डेस्क पे हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, ये स्टाम्प लगाई और ये स्टेज और अंदर के नज़ारे। तो सबको बताएं हम यहाँ क्यों हैं और बहुत सारी चीजें करने हैं, जो खाना नहीं लिया है वो प्लीज लेकर अपनी सीट पे वापस आए, बिकॉज हमें ग्रुप फोटोग्राफ लेना है और जिन लोगों ने खाना ले लिया है तो और खत्म हो गया है तो प्लीज चेयर पे आए, सुबह हमें ग्रुप फोटोग्राफ ले सकते हैं। ये सारे अपने भाई लोग जो है खाना एंजॉय करते हुए, खाने में देखिए क्या क्या है, सैंडविच है, एक ये टोपला है, एक ये रियल जूस है, है कुछ मफिन्स टाइप का है, इसमें सैंडविच है, बनाना और ये इसका तो ऑल ड्राई ब्रेकफास्ट है और बढ़िया है। मैं सजना, मैं
बहुत ही हमारे नेक में स्टाइल दिए हैं, मुझे स्प्रिंग पर एंजॉय करते हैं और बैक में सैंडविच हो गया और जो स्पोर्ट्स बाइक चलाते हैं ये भी अच्छा आया था। तो ड्राइव बड़ी ही काफी बढ़िया है, पैकेट से पैकेट बहुत ही बात है, एक एक्टिविटी से भी होती है काफी अच्छा रहता है, काफी अच्छी बात है। कुछ आसन कराते हुए अपने पहले की शीर्षासन नहीं करना है, जो आपके शोल्डर के एक्सटेंशन है वो आपके अपर बैक के स्ट्रेच के लिए। हम अपने सिर्फ सर्वाइकल पार्ट को देखते हैं, थोरैसिक पार्ट का बहुत बड़ा रोल है हमारे नेक की हेल्थ के लिए, हमारी ब्रीदिंग के लिए। शुड वी स्टार्ट विद द अवार्ड कैटेगरीज और फर्स्ट स्टार्ट अवार्ड कैटेगरीज ओके स्टेज पे थोड़ा मैं सब लोगों को दिख रहा हूं, किसको नहीं दिख रहा अपनी आंखें इतनी सुंदर सुंदर जोड़ियां आई है, मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं जाना चाहिए। हाँ मैं कुआरा लग रहा हूँ इनके बीच में ना, और ना छोड़ा। सो इतनी सुंदर खूबसूरत जोड़ियों के बीच में मेरे पास रिजल्ट तो है, लेकिन लेकिन आप उठे एक बार सब वोट कर लेते हैं सबके लिए, एक बार सब अपना नाम भी बता रहे हैं, अपना नाम बताइए प्लीज। दीपक बच्चन, सो दीपक बच्चन प्लीज। ओके चांदनी बच्ची जोर से गाओ। दीपक जी हेलो भाई, ठीक है भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आज के पता चल वीडियो बनाने की प्लानिंग भी कर रहे हो, कर भी रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि मेरे पास आंसर है? अरे 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 Thank you very much for coming to the event. Well, you have won a voucher for yourself from Lux Salon for complimentary packages. Thank you very much for coming today. Thank you all of you for coming up and dressing up so nicely. Thank you very much. Thank you. Ab aisa ho kaun wala? Ye to yaar unne ek mahina bola na. Pal Singh bachpan se. Abhi sikhna hai ye, sikhna hai abhi. Ashok Sharma about 10 years. Kya baat hai, longest? Nahi. Yaari 17 saal ki umar se. Oho. Kya baat hai ji. 25 umar se. मानिक शर्मा अप्रोक्सिमेटली पहली पहली का फैन फॉलोइंग तो जोरदार है, लेकिन अभी सेड दैट इज ओनली अबाउट द लुक दैट वी आर लुकिंग एट। तो कोहली जी यू आर द विनर, यस मैन, आज हमने कहा था जिसकी मूंछों में ज्यादा घुमाव है वो जीतेगा, एंड द विनर इज जगदीप। अजय जी राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर जगदीप, ही गेट द येलो कैप रैपर एंड लुक फ्री वे वाउचर्स वॉच मी अंटिल मार्च नेक्स्ट ईयर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग जगदीप। चलिए नाम बताइए कुछ का, मेरी क्लियर राइडर्स
Anita Rikman, Sonia Kamik, Ravi Kaur, Pooja BBT Rider, Amy BBT Rider, Sonia BBT Rider, Sonia BBT Rider. लेकिन अभी अभी डिसाइड हुआ है हमारी इस कम्युनिटी की सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल जो बनने हैं हमारे खास है मिस्टर पावर जो गीत उन्होंने शुरू किया है एक लाइन फिर से सुनना दिल मेरा सुनना सुनो जरा तेरी बाहों में है रात भर तेरी बाहों में होगी सुबह इन सभी ने उन सभी की तरह मेहनत की So thank you very much once again GMR Aero City for giving us this venue, very lovely place to conduct this event and we would love to come here again and again over the years. Please kindly have a word about the event that you think. No, I think it's a great initiative. We are glad to associate with this event and hopefully to do lot more these kind of events in future as well. All the best, you guys are doing great job. Thank you very much. Thank you. गाइस इवेंट फाइनली खत्म हो गया और इवेंट के एंड में मैं कॉफी एंजॉय करते हुए बहुत मजा आया बहुत अच्छा इवेंट था बहुत अच्छी राइड थी बहुत अच्छे कॉज के लिए थी और काफी लोग इसमें आए सपोर्ट में उन्होंने ज्वाइन किया राइड को बहुत मजा आया सब लोग इस नोबल कॉज के लिए आगे आए और आगे भी अगले साल भी ये सेम कॉज के लिए 20 सिटीज में होगा तो वो आगे नंबर इंक्रीज होंगे सपोर्टर्स के अब यहां से हम निकलने लगे हैं घर के लिए तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए मिलेंगे फिर किसी और नए दिन किसी और नए कॉज के साथ किसी और नई राइड के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखें सुरक्षित राइड करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और राइड सेफ बाइक ब्लेस्ड